और देखिए हरिद्वार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर त्रिविंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं। जीत दर्ज करने के बाद यहां पर हरिद्वार में पहुंचे हैं त्रिविंद्र सिंह रावत। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से जहां पर त्रिविंद्र सिंह रावत मौजूद हैं और ये देख सकते हैं कितनी संख्या में उनके जो कार्यकर्ता हैं और आसपास जो लोग हैं वो मौजूद हैं। पूजा अर्चना करते हुए वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हरिद्वार में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं त्रिविंद्र सिंह रावत के साथ ही बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो भी मौजूद हैं। हरिद्वार दौरे पर है बीजेपी सांसद त्रिविंद्र सिंह रावत। आपको बता दें कल जीत दर्ज करने के बाद आज वो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनके साथ तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं और पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं त्रिविंद्र सिंह रावत। हरिद्वार से ये तस्वीरें, हरिद्वार दौरे पर है बीजेपी सांसद त्रिविंद्र सिंह रावत और ये तस्वीरें आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं और कार्यकर्ता भी उनके साथ में यहां पर पहुंचे हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए त्रिविंद्र सिंह रावत पहुंचे और लगातार पूजा अर्चना वो कर रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। जीत दर्ज करने के बाद उनका हरिद्वार में ये दौरा काफ़ी खास माना जा रहा है और ये देखिए तस्वीरें हरिद्वार में माँ गंगा के आशीर्वाद के लिए पहुंची हैं। पूजा अर्चना लगातार की जा रही है और उनके साथ में तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, आमजन यहां पर मौजूद हैं। देखिए आपको बता दें कि त्रिविंद्र सिंह रावत ने कल जीत दर्ज की है और इसके बाद आज वो जनता का आशीर्वाद के साथ ही यहां पर माँ गंगा के आशीर्वाद के लिए भी पहुंचे हैं और यहाँ पर हरिद्वार में वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ और भी बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, बीजेपी नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, माँ गंगा के जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, आमजन यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और माँ गंगा की पूजा अर्चना की जा रही है। आज माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे हैं, बीजेपी नेता भी उनके साथ में यहां पर मौजूद हैं, पूजा अर्चना करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सीधा हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूजा अर्चना माँ गंगा की जा रही है, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया जा रहा है। बंपर जीत दर्ज करने के बाद आज वो पहुंचे हैं यहाँ पर और आशीर्वाद दे रहे हैं माँ गंगा का। आस्था से इस सरोवर होकर यहाँ पर आज माँ गंगा का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे त्रिविंद्र सिंह रावत। देखिए आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं इनमें जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। श्री गंगा भागीरथी ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः तस्मद्व्यासं भगवतो महाप्रशस्तः विश्वराज्ञा वर्तमानस्योज्ञानी ब्रह्मनिरेकपरादेशी सर्वराह कल्पे वैवस्वतमं करे अष्टालिंशदग्रे कल्येत्रिगुणं करणे जम्बूर्येते रूपन्ते Thank you.
में लब्ध प्राप्त लब्धयाथम विजय श्री प्राप्ति अर्थम श्री माँ गंगा देवी कृपा फल प्राप्ति अर्थम जन कल्याणार्थम राष्ट्र कल्याणार्थम श्री गंगा देवी अनुकंपा प्राप्ति अर्थम यथा लब्ध चारोय द्रवे श्री गंगा पूजन अहम करिष्य तत्रादो निर्विघ्न प्रयागराज से अर्थम गणपति स्मरणम च करिष्य। भगवान गणेश जी का विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगाधिकाय आगमनाय श्रुतियाय विलोकिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमः। सर्वमंगल मंगले श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಲಂಕರಣಾರ್ಥಿ ಪೂಜಾ ಪುಷ್ಪಾರ್ಪಯಾಮಿ ಭೂಮೋ ದೀಪ ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಲನಾಮೇ ನೈವೇದ್ಯಂ ಓಂ ನಾಭ್ಯಾಸೇದಂತರಿಕ್ಷಮಶೇಷ್ಟಾಧ್ಯಾಮೇ ಆಶ್ವನೀಯ ಮಧ್ಯೆ ಪಾನೀಯಮುತ್ತರ ಜಲಸಮರ್ಪಯಾಮೇ ಕರೋದ್ವರ್ತನಾರ್ಥೆ ಪುನಃ ಗಂಧಾಮನೆ ಪದ ಸಮರ್ಪಯಾಮೇ ಗಾಯತ ನರಃ ಪವಮಾನ ಇಂದ್ರ ಮೇ ಅಭಿಜೇವಾ
तस्वीरें आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हरिद्वार से, जहां पर ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद आशीर्वाद लिया है मां गंगा का, आशीर्वाद लेने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका यहां पर जोरदार तरीके से स्वागत किया, बम्पर वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है और इसके बाद वो आज हरिद्वार पहुंचे हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार यहां पर मां गंगा की आरती यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही मां गंगा का आशीर्वाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया है, पूजा अर्चना की, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना यहां पर की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हरिद्वार में जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्होंने भव्य तरीके से स्वागत किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। हर की पेड़ी पर मां गंगा की आरती यहां पर की जा रही है, इसके साथ ही मां गंगा का आशीर्वाद वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी नेता, जो तमाम बड़े बीजेपी नेता है, वो भी उनके साथ में मौजूद हैं और बीजेपी कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हर की पेड़ी पर मां गंगा का आशीर्वाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया। और इसके साथ ही, क्योंकि देखिए कल चुनावों का परिणाम आया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में पाँचों के पाँचों सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी ऐतिहासिक जीत मिली और इस ऐतिहासिक जीत को लेकर आशीर्वाद लेने के लिए वो आए हैं। मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे, आज हरिद्वार वो पहुंचे हैं, हरिद्वार उनका दौरा है। और ये देखिए काफ़ी खास हो जाती हैं तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत है और ऐतिहासिक जीत के बाद मां गंगा को याद करना, मां गंगा का आशीर्वाद यहाँ पर लेना, आस्था से लबरेज ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हरिद्वार पहुंचने पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भव्य तरीके से यहाँ पर स्वागत किया, जीत की बधाइयाँ भी वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को देते हुए नजर आए। और अब देखिए पूजा अर्चना लगातार जारी है, हर की पेड़ी पर ये पूजा अर्चना लगातार की जा रही है, मां गंगा का आशीर्वाद यहां पर वो ले रहे हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता उनके साथ में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, ये लाइव तस्वीरें हर की पेड़ी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, पूजा अर्चना वो करते हुए नजर आ रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद उन्होंने लिया है, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत उन्हें मिली उत्तराखंड में और उस जीत के बाद वो धन्यवाद करने के लिए कह सकते हैं कि मां गंगा के पास पहुंची हैं, मां गंगा को याद कर रही हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। पूजा अर्चना त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है मां गंगा की, बीजेपी कार्यकर्ता भी उनके साथ में मौजूद हैं। और देखिए भव्य स्वागत उनका किया गया, सभी उनको बधाइयां देते हुए भी नजर आए, क्योंकि जीत उन्होंने दर्ज की वो ऐतिहासिक जीत उत्तराखंड में जिन्होंने दर्ज की है,
और ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कितनी संख्या में यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता और आमजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और माँ गंगा के जयकारों के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। हरिद्वार पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और आज वो माँ गंगा की आरती कर रही हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं। माँ गंगा के जयकारों के साथ पूजा अर्चना, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया है, क्योंकि देखिए एक ऐतिहासिक जीत त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में दर्ज की है और उसी को देखते हुए आज वो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने उनका स्वागत भी किया और ये देखिए आरती यहाँ पर की जा रही है, माँ गंगा की आरती की जा रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार में पहुंचे हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद है जो पूजा अर्चना उनके साथ में कर रही है, क्योंकि कल ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की है। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी भव्य तरीके से हरिद्वार में उनका स्वागत किया। इसके साथ ही हर की पेड़ी पर पूजा अर्चना की जा रही है, माँ गंगा का आशीर्वाद यहाँ पर लिया जा रहा है। उनके साथ उनकी बेटी भी पहुंची हुई है, वो भी उनके साथ में पूजा अर्चना कर रही हैं और मां गंगा को नमन करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा सकता है जो ऐतिहासिक जीत है वो यहां पर पूर्व सीएम ने दर्ज की है। और ऐसे में ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया हरिद्वार पहुँचने पर और माँ गंगा के जयकारों के साथ ही पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, पूजा अर्चना यहाँ पर सम्पन्न करवाई जा रही है। और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं, जहाँ पर देखिए अब बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आस्था से लबरेज करने वाला ये पल, त्रिवेंद्र सिंह रावत जहाँ पर माँ गंगा का धन्यवाद देने के लिए पहुँचे अपनी जीत दर्ज करने के बाद, और जैसे ही वो हरिद्वार पहुँचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उनके साथ में उनकी बेटी भी पहुँची है हरिद्वार, वो भी पूजा अर्चना कर रही हैं। और ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर हर की पेड़ी पर ये पहुँचे हैं, पूजा अर्चना वहाँ पर लगातार जारी है। और
माँ गंगा का आशीर्वाद लिया जा रहा है। माँ गंगा की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो पहुंचे हैं। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत का यहाँ पर स्वागत भी किया, क्योंकि ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 5 की 5 सीट अपने नाम की है, जीत दर्ज की है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बम्पर जीत यहाँ पर दर्ज की है। और उसी को देखते हुए आज वो धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं, माँ गंगा का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। अपनी बेटी के साथ वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद वो ले रहे हैं, कहीं ना कहीं धन्यवाद करने के लिए वो पहुंचे हैं माँ गंगा को। और ये हर की पेड़ी पर पूजा अर्चना की जा रही है ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद की। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हैं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मौजूद हैं, वो भी पूजा अर्चना में शामिल हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। देखिए तस्वीरें, पूजा अर्चना यहाँ पर संपन्न करवाई गई है। पूजा अर्चना संपन्न करवाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी जीत के बाद वो यहाँ पर सबसे वाकिफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए भव्य स्वागत जहाँ उनका एक और किया गया, तो वहीं अब पूजा अर्चना संपन्न हो चुकी है। माँ गंगा का उन्होंने आशीर्वाद ले लिया है, उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद, और अब वो यहाँ सबसे बातचीत करते हुए आगे चल रहे हैं। माँ गंगा की त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूजा अर्चना की और उनके साथ में उनकी बेटी भी मौजूद थी। बीजेपी कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। और ये हर की पेड़ी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्योंकि उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें जहाँ पर बीजेपी ने अपने नाम की, तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये जो जीत है वो भी ऐतिहासिक रही है। और ऐसे में आज वो हरिद्वार में उन्होंने पूजा अर्चना की, हरिद्वार वो पहुंचे, अपनी बेटी के साथ पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने पूरी विधि विधान से संपन्न की, और अब हर की पेड़ी से वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, बातचीत भी उन्होंने यहाँ पर की कार्यकर्ताओं से, आमजन से। और जैसे ही वो हरिद्वार पहुंचे थे, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनका स्वागत किया, जीत की बधाइयाँ भी उन्हें दी जा रही हैं, और माँ गंगा का आशीर्वाद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया। और चलिए इसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आज हरिद्वार पहुंचे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वहां पर माँ गंगा को उन्होंने आशीर्वाद दिया, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जैसे ही उनको अकाल जत्था से जीत मिली, जीत के बाद जो है आज वो, और चलिए देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, माँ गंगा के पूजन से किया था, और जब चुनाव संपन्न हो गया तो माँ गंगा के पूजन से, माँ गंगा के आशीर्वाद से हमने शुरुआत की थी, और आज माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर के और चुनाव संपन्न होने पर सभी को शुभकामनाएं देने के लिए माँ गंगा का आशीर्वाद सबको मिले, इसलिए माँ गंगा का पूजन। चुनाव की शुरुआत होने वाली थी तब उन्होंने माँ गंगा का आशीर्वाद लिया था, और उसके बाद आज जब चुनाव संपन्न हो गए हैं तब भी वो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। उपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उपेंद्र क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए जिस प्रकार से कल जो रिजल्ट आया है, ऐसे में हरिद्वार एक जो है हॉट सीट जो है वो मानी जा रही थी, और हॉट सीट के चलते जिस प्रकार से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विजय बने, और साथ ही आज जो है माँ गंगा का आशीर्वाद लेने वो हरिद्वार की हर की पेड़ी में पहुंचे, वहां पर उन्होंने माँ गंगा का आशीर्वाद लिया, गंगा आरती वहां पर की, और जिस प्रकार से जो है जो लोग जो भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता थे उनका भी जो है उन्होंने जो अभिवादन किया, उन्होंने कहा कि ये जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से हर जनता ने मुझे दिया और यहाँ से सांसद बनकर जो है जो चुना गया है, तो ऐसे में यहाँ की सेवा करना मेरा परम धर्म हो गया है, और कहीं ना कहीं ये अब कर्म भूमि मेरी बन चुकी है। साथ ही साथ उनका ये मानना है कि हरिद्वार में कई सारे
जो है वो करने हैं। कल जब हमारी बातचीत पूर्व मुख्यमंत्री से हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे पहला कार्य जो है यहाँ की धार्मिक दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर मुख्य कार्य करने की रहेगी, ताकि यहाँ की जो धार्मिक से जो हरिद्वार से ऋषिकेश में जो धार्मिक, बिल्कुल देखिए पूजा अर्चना यहाँ पर उन्होंने की है। अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम है उनके? देखिए आज वो दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में जिस प्रकार से अब कल संसदीय बैठक हो भाजपा की, जितने भी सांसद चुने गए उनकी जो है संसदीय बैठक जो है होगी, उसमें वो हिस्सा लेंगे। तो आज वो यहाँ से दिल्ली के लिए जो है वो रवाना होंगे और कल जो है संसदीय टीम का हिस्सा बनेंगे, वहाँ पर बैठक में मौजूद रहेंगे। उपेंद्र, साथ ही साथ क्योंकि देखिए आज का दिन बड़ा दिन माना जा रहा है जहाँ पर कल जीत उन्होंने दर्ज की है, हर की पेड़ी पर कौन कौन से बीजेपी नेता मौजूद रहे इस दौरान पूजा अर्चना के दौरान? देखिए अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार के तमाम आज बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे, साथ ही जो देहरादून से भी कई सारे नेता जो है यहाँ पर मौजूद रहे थे, जो उनके भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता जो पूरे चुनाव में उनके साथ जो है वो डटे रहे थे उनके प्रचार प्रसार में, वो सभी कार्यकर्ता जो है वो आज यहाँ पर पहुंचे थे। फूलों की वर्षा से उनका स्वागत भी उन्होंने किया, तो साफ तौर पर ये देखा गया कि जिस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, क्योंकि ये हरिद्वार सीट एक हॉट सीट मानी जा रही थी, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर माना जा रहा था, जिस प्रकार से जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की साख दाव पर थी, साथ ही साथ हरीश रावत की राव भी साख पर लगी हुई थी। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री जिस प्रकार से 1.5 लाख वोटों से ज्यादा जो है वोटों जिस प्रकार से यहाँ पर जीत हासिल किए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के जिस प्रकार की जो मेहनत रही जी वो प्रचार प्रसार रहा, उसी के चलते जो है आज जीत हासिल हुई है। और साथ ही जो हरिद्वार की अब जितना भी डेवलपमेंट रहा, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्य नहीं हो पाए उन कार्यों को करना मेरी जो है प्राथमिकता रहेगी, उस पर सबसे ज्यादा फोकस जो है मेरा रहेगा। तो और जो यहाँ की धार्मिक दृष्टि से जो कार्य हो सकते हैं उन कार्यों पर जो है सबसे फोकस रहेगा, साथ ही रोजगार के शक्तिपीठों पर काम रहेगा कि जो देश ही नहीं देश के बाहर जो शक्तिपीठ है उनको एक संजोने का काम जो है वो किया जाएगा। ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम तस्वीरें भी आपने साझा की और तमाम जानकारी आपने दी उसके लिए।